Hi, my name is Rehan Sari. I'm currently studying at Karachi University and my subjects include international relations and mass communication. I'm an aspiring director. I've always wanted to be filming and I've done a lot of theatre too. And I'm a big fan of William Shakespeare and Oscar Wilde. I'm always reading their plays and always when I'm reading them, I'm embolizing all of them, me being a director. And ever since I was a child, after my father to buy me a video camera, so this is one of my prized possessions. मैं हमेशा इसको लेकर घूम रही होती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, videos बना रही होती हूँ, फिर you know making documentaries. It's always been my dream, and I'm very grateful to Business Plus because today on their show One Day Apprentice, they've given me the opportunity to be with and spend one day with a director, and that is Mr. Kamran Qureshi. So I'm very looking forward to meeting him. And so I'm going to learn a lot, and I'm sure I can use my prized possession better from now. Action! Assalamualaikum, how are you? कैसी हैं? Assalamualaikum, बैठिए. Thank you so much for taking off time. It's an honor meeting you. आपके इतने बार में सुना था, इतना पढ़ा था, और अब मैं आई हूँ. मैं बहुत सोच के आई थी, लेकिन अब आई हूँ. पता नहीं कब कहाँ से शुरू करूँ. कामान साहब, आप बताएंगे कि प्रोडक्शन में कौन सी स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं? प्रोडक्शन में मेनली तो तीन स्टेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप तीन स्टेजेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं. प्री प्रोडक्शन, शूटिंग की स्टेज होती है, एंड पोस्ट प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले जो आप काम कर रहे होते हैं, लाइक स्क्रिप्ट लिखवाना, उसके ऊपर पेपर वर्क करना, स्केजुलिंग बनाना, कितने दिन का काम किस आर्टिस्ट का है, उससे पहले जब स्क्रिप्ट लिखवा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये अंदाज़ ये सोचना होता है कि सब्जेक्ट किस तरह का हो, कैनवस क्या है. स्टोरी वही है, एक लव स्टोरी आप सहरा में भी प्लांट कर सकते हैं, वही आप बर्फ़ानी इलाके में भी, वही आप कराची जैसे एटमॉस्फेयर में भी आप प्लांट कर सकते हैं. तो आपको कैनवस देखना होता है कि किस तरह कैनवस आप लेके कहाँ वो अपने करेक्टर्स प्लांट कर रहे हैं. स्केचुलिंग का काम होने के बाद डेट्स, कास्टिंग का मरहला आता है. तमाम डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट होने के बाद वो दिन आता है जब आप शूट पर होते हैं और टाइम आपने पहले से दिया हुआ होता है, और उस टाइम पे 19-20 के साथ कुछ लेट हो रहा होता है, कुछ वक्त से आ रहा होता है. ड्यूरिंग शूट या प्री प्रोडक्शन में भी आप म्यूज़िक डिपार्टमेंट से आप मीटिंग करके उनको ब्रीफ दे सकते हैं कि इस तरह का आप सीरियल कर रहे हैं, ये मिजाज है. और क्या कहते हैं, शूटिंग के बाद भी आप म्यूज़िक के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा कोई गाना जैसा आजकल ट्रेंड है, कोई एक टाइटल सॉन्ग बनाते हैं हम, एक या दो साउंड ट्रैक, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, OST. और जिस तरह हमने मूरत का टीना सानी ने गाया, सोनू निगम ने रियासत का गाया, डेफिनेटली सारे डिपार्टमेंट्स का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. एडिटिंग और म्यूज़िक, और उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आती है जो सीरियल की पोस्ट प्रोडक्शन. दैट इज़ आर पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें ग्राफिक का काम होता है, म्यूज़िक का काम होता है, एडिटिंग्स भी होता है, साउंड का, इस तरह की चीज़ों का. तो सर, जैसे सबसे how what do you think is the most difficult of these three? Difficult jo aap kehte hain acha ab ye rehta hai difficult to nahi, mehnat jiske upar zyada lagti hai wo jab aap shoot kar rahe hote hain us waqt aapko sabko jama karna hota hai, wo zyada mushkil hota hai shoot karna. Aur fir environment, aise environment mein aap khud khade hote hain, misal ke taur pe desert mein agar aap koi play kar rahe hain to aap wo garmi bhi bardasht kar rahe hote hain, ठीक है. एडिटिंग टेबल पे वो प्रॉब्लम नहीं है, प्री प्रोडक्शन में वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप अपने ऑफिस में AC लगा के आराम से काम कर रहे होते. रिसर्च वर्क जब आप प्री प्रोडक्शन में कोई छोटा सा एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप रैकी करते हैं, उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल होती है. लेकिन असल मुश्किल जो है या डिफ़िकल्ट जिसको आप कह रही हैं वो शूटिंग का वक्त है, जिस वक्त सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ इकट्ठे होना
और एक साथ परफॉर्म करना अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, और उस वेदर और उस गर्मी और लाइटों की गर्मी और वो सारा कुछ वो बर्दाश्त करना, वो ज़रा सा मुश्किल होता है। कामरान की शूटिंग के सिलसिले में बताऊं कि मैं जब शूटिंग पे आता था तो सुबह 4-5 बजे तक हमने शूटिंग की है, 11 बजे आ गए दिन में, तो पता नहीं होता था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या होगा हमारा। काम स्टार्ट होने से पहले आर्टिस्टों के गेटअप्स कराए, उनके ड्रेसेस कराए। पहला तो इसका एक फार्मूला है और बहुत इजी सा है कि गाने जरा से हटके ऐसे हटके होते हैं। लाइटों से मुझे याद है, बस एवरीबडी सेज के जो मैंने सुना है, जहाँ भी मैंने थोड़ा कोर्सेज किए हैं, जहाँ मैं पढ़ा है जितना मैंने, उसके अंदर वही कहते हैं कि लाइट इज़ द मेन थिंग। अगर लाइट आपकी सही नहीं होगी तो सीन की वो म्यूज़िक ऑब्वियसली हैज़ द सेम इफेक्ट, और लाइट्स का भी इतना ही सेम इफेक्ट है। लाइट की ड्रामे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सीन का मूड जो है वो आप अपने DOP को बताते हैं, डायरेक्टर फोटोग्राफी को, कि रात का सीन है, हॉरर है या सस्पेंस फील देना है, कोई मर्डर करने जा रहे हैं। तो कैमरा और लाइटिंग जो है, कैमरा मूवमेंट और लाइटिंग, ये दोनों जो है वो मिलके बहुत सारा काम आप शूटिंग के वक्त ही कर लेते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ क्रिएटिव साइड, नो कि शूटिंग के वक्त ही आप लाइट इस तरह से करते हैं कि वो शख्स आपको हॉरर नज़र आ रहा हो, यू नो डरावना लगे आपको, यू नो, और बाजे डोमेस्टिक सीन करने हो तो वो ग्लैमरस लग रहा हो, वो ज़रा ग्लैमरस इस तरह की लाइट हो कि जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो और आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो। लेकिन लाइटिंग में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ड्रामास में, और एक दो मेन कैटेगरीज में मैं उसको डिवाइड करता हूँ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि सिचुएशन किसी भी किस्म की हो, स्क्रीन जो है वो ग्लैमराइज होनी चाहिए। ओके, गॉट माय पॉइंट। एक ये है कि सिचुएशन चाहे रोना पिटना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई मसला हो, लाइट जो है ना खूबसूरत होनी चाहिए, लाइट खूबसूरत होनी चाहिए, यानी स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आ रहा हो। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि लाइट हमेशा ऐसी करें जो बहुत खूबसूरत आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, वो चाहे सीन की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो लेकिन आना खूबसूरत चाहिए स्क्रीन पर। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप ड्रामे के सीन्स के मुताबिक लाइट करें, या आप जिस कमरे में जिस जगह बैठे हैं वहाँ सोर्स लाइट्स जो आ रही हूँ उनके तहत आप काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पर दिन में अगर आप खड़े हुए हैं तो दिन के सीन दिन में ही शूट किए जाने चाहिए, और जिस कमरे में उसकी खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो सब खुली हों और ओरिजिनल लाइट आ रही हो लमिया की, मतलब ये चीज़ हो, उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। और आप ज़्यादातर क्रिएटिव या आर्टी करने के लिए लोग इस तरह की चीज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के मिक्स एंड मैच से चलना चाहिए। सो हाउ डू यू कैप्चर मूनलाइट और समथिंग, अगर आपने काम किया हो? डेजर्ट में हमने काम किया है जिसमें जिसमें होता ही है कि लाइट आपको सोर्स लाइट कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी हम इस कमरे में बैठे हैं तो हम आपके फेस पे अगर मैंने लाइट बनानी तो मैं ये शो कर सकता हूँ कि मेरे इस ऑफिस के सामने कोई घर है और वहाँ कोई बल्ब जल रहा है और उससे कोई लाइट आ रही है, यानी वो सोर्स मिल रही है आपके फेस को, ठीक है ना। जो लाइटिंग है हम इसी तरह सोर्स को बना के हम लाइटिंग करते हैं। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन भी हैं जहां आप जाते हैं जहां सोर्स कोई नहीं मिल रही है आपको। मिसाल के तौर पर डकड़े हुए हैं और डेजर्ट में ऐसी जगह रात है जहां कोई घर नहीं है आसपास, तो आपको सोर्स लाइट कहां से मिलेगी सिवाय मून के, ठीक है। तो वो मून लाइट आप एक बड़ी लाइट हाई इंटेंसिटी की एक साइड से आप उसको लाइट करते हैं, यानी एक डायरेक्शन से, क्योंकि मून चारों तरफ तो नहीं होंगे, एक ही मून है और वो एक ही जगह लगा हुआ है, तो वो एक ही डायरेक्शन से आप लाइट करेंगे, ब्लू लाइट जो है वो आप लाइट की इंटेंसिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है। एंड देन आप अपर्चर से कंट्रोल करके करेक्टर की प्लेसमेंट्स के साथ ऐसी जगहों पर, यू नो, ऑल डिज़ाइनिंग करके आप फिर आप उसको शूट करते हैं। लेकिन मून लाइट वो एक ही लाइट होगी और एक ही डायरेक्शन से होगी। ये उस वक्त होगा जब चारों तरफ कोई घर नहीं है या कोई ऑफिस नहीं है, आप सहरा में खड़े हैं और कोई लाइट नहीं है आपके पास या कोई सोर्स नहीं मिल रही। तो कमान साहब, आप ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं डेजर्ट है, आप वहाँ गए, लेकिन इतना वास्ट एक कैनवस है आपके पास, अब आप बताएं आप वेयर डू यू नो कि आप कैमरा कहाँ प्लेस करेंगे?
देखें, कैमरा प्लेसमेंट के हवाले से दो बड़े मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों दो बड़ी थॉट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी डायरेक्टर जो जिसने वो स्क्रिप्ट पढ़ा है वो किस तरह से आपको दिखाना चाह रहा है. ठीक है, एक शॉट्स को हम डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं और एक को हम कहते हैं करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो इस वक्त हमारे कैमरे लगे हुए हैं दोनों, और ये कैमरा जो है वो मेरे हवाले से आपको दिखा रहा है और वो सामने वाला कैमरा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिखा रहा है व्यूअर्स को, यू नो. तो ये करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, ड्रामाज में भी शूटिंग इसी तरह होती है. और जब आप इस ऑफिस में एंटर हुई थी तो सामने दरवाजे से आई और आके मेरे से मिली हैं, तो उस वक्त जो कैमरा दिखा रहा था वो एक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था. यू नो, डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है कि जी आप ऑफिस में आई हैं और मेरे से मिली हैं, तो वो नबील का पॉइंट ऑफ व्यू था, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था. यू नो, तो उसके बाद फिर करेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि नेहा क्या सवाल करना चाहती हैं, क्या पता करना चाहती हैं, क्या मालूम करना, तो वो नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिखा रहा है और मैं किसको बता रहा हूँ, वो नेहा को कैमरास प्लेस करेंगे. इसी तरह उसमें उसकी फर्दर मजीद क्लासिफिकेशन शॉट्स की, OTS, ओवर द शोल्डर शॉट्स, क्लोज शॉट्स, BCU, बिग क्लोजअप, यू नो, लॉन्ग शॉट्स, वो ये सारी कैमरा प्लेसमेंट जो है वो आप जिस लोकेशन पर जाते हैं तो उस लोकेशन पर खड़े होकर डायरेक्टर बता सकता है कि दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल एंगल जहाँ से मैं अनइंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें उस शॉट के थ्रू कन्वे कर सकता हूँ. यू नो, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो लोकेशन हो सकती है, करेक्टर्स हो सकते हैं, मूड हो सकते हैं, यू नो, दिन या रात पता चल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. यू नो, वो लोकेशन इट्सेल्फ बता रही होगी कि अगर वो जेल है तो वो बता रही है कि पहला शॉट ओपन होते ही वो बता रहा है कि इनकी सलाखों का शॉट है, सलाखों का शॉट है, तो यू नो सिंबॉलिक कई ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बता रही होती. तो आपका अभी क्या स्केड्यूल है आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? स्केड्यूल मंजिल ऑन एयर जा रहा है और हफ्ते में 4 एपिसोड्स देने होते हैं और उसकी एडिटिंग चेक करने जाना है हुमायूं सईद के यहाँ, वहाँ उनके एडिट सूट लगा हुआ है और उन्हीं की प्रोडक्शन है. और अगले सीरियल पे मीटिंग है मेरी विद वकार अली, तो अगर आप चलना चाहें तो आपको ले चलते हैं. डेफिनेटली, चलते हैं एंड देन फिर वकार के पास. आइए जनाब अली. आदाब, कैसे हैं आप सर? कैसे प्लीज प्लीज बैठे. थैंक यू. थैंक यू. वाह जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. ये तो इसको कहते हैं छापा, इसका मतलब है कि छापा मारा. नहीं, छापा क्या मारना था, एक्चुअली ड्रामा डायरेक्शन से रिलेटेड बात हो और म्यूजिक का डिपार्टमेंट, साउंड का डिपार्टमेंट, टाइटल सॉन्ग, नाजिर इतने कमाल कमाल के टाइटल सॉन्ग्स आप लोगों ने सुने हैं वकार के, तो मैंने ये सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कैसे मिस हो जाए, और इसलिए छापा मारा गया कि वकार को पकड़ के पूछा तो जाए. जी एक्चुअली कमरान साहब ने मुझे पहले लाइटिंग के बारे में समझाया एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन डायरेक्शन. फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा लाइटिंग के अलावा ऑडियो और साउंड जितना इम्पैक्ट उसका होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड मी ऑन दैट, टू गिव मी एन इनसाइट. थैंक यू जी, आप लोगों ने मुझे ये इस काबिल समझा. वैसे कमरान की ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि बहुत क्वालिटीज़ होती हैं लोगों में, इसीलिए कामरान ने ये म्यूज़िक के लिए भी, साउंड्स के लिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक प्लस टाइटल सॉन्ग, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही बहुत गौर व फिक्र से और बहुत सोच समझ के म्यूज़िक करते हैं. ऑब्वियसली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ. काम का तरीका हर एक आदमी का दूसरा होता है, डिफरेंट तरीक़ेकार होता है. इनका अलग थोड़ा सा पैटर्न है, वो ये है कि ये पहले पूरी रिसर्च करते हैं, लैपटॉप पे पूरे इमेजेस बनाते हैं. अभी वो सीरियल कहीं नहीं है, लेकिन वो पहले उसके रेफरेंसेस की पहले डिटेल्स जमा करते हैं कि जो इनको क्या लग रहा है, फिर वो दिखाते हैं, लाकर कंपोजर को लाके दिखाते हैं कि यार ये एक फील है, देखो सिनेमेटोग्राफी इस तरह की होगी. जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम जो आप लोग ने इस पे काम कर रहे हैं, इट्स नॉट इवन देयर, एज इन आप लोग सिर्फ उस पे अभी सोच रहे हैं, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो म्यूजिकल कंपोजिशंस कितना टाइम लेते हैं? यार नया मैं आपको बताऊं, इसमें तो इस तरह कह सकते हैं, म्यूजिक म्यूजिक है, हो सकता है कि ये एक रात में हो जाए और हो सकता है ये साल में भी ना, लेकिन ऐसा खैर कभी नहीं हुआ. अलग लाख लाख शुक्र है कि मैं कंपोजिशन करने बैठा हूँ तो मुझे बहुत दिन लग गए हूँ, ऐसा नहीं होता. मैं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करता म्यूज़िक में बिल्कुल, लेकिन ये कि सही वेवलेंथ हमारी एक डिसाइड हो जाए डायरेक्टर के साथ, हम लोग हम एक सिंक हो जाए बिल्कुल एक लाइन पर, तो फिर इसके बाद इट टेक्स जस्ट आई गेस 2 or 3 days, दैट्स इट, नॉट मोर देन 4 days. एक
सवाल है आपसे कि हाउ डू यू कीप योरसेल्फ डिफरेंट. अब जैसे मैंने आपके काफ़ी गाने सुने हैं, बट कुछ भी कहें आपकी आवाज़ ऑब्वियसली सेम है, लेकिन इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ कमिंग अप विद सच डिफरेंट आइडियाज़ कि लोग कुछ कहते हैं उसके सारे गाने तो एक जैसे साउंड करते हैं, लेकिन आपके बारे में माशाल्लाह से आज तक नहीं सुना इसे. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इसका सबसे पहला तो, खैर आपने सवाल इतना अच्छा किया, पहला तो इसका एक फार्मूला है और बहुत ईजी सा है कि गाने ज़रा से हटके ऐसे हटके होते हैं. अच्छा, मैं बता रहा हूँ, स्केटिंग मैं बता रहा हूँ, ये जो डिफरेंट का वर्ड है ये बहुत यूज़ हो चुका वैसे तो. मतलब इसका एक ही है कि जी डिफरेंट और कुछ हटके और ये जी. लेकिन अब ये मानी इसके ना मेरा ख्याल है खो गया हुआ अपना, तो इसलिए इसका जवाब देना इतना मुश्किल है. हाँ, ये ज़रूर है कि गाने एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. वैसे बताऊँ ऐसा है भी नहीं, मेलेडीज शायद मेरी अलग होती हों, मेरा अरेंजमेंट कुछ गानों में मिलता जुलता है. ओके सर, थैंक यू सो मच. आपसे बहुत इनलाइटनमेंट हुई आपसे बात करके कि एक दूसरी साइड भी पता चली जो आई डिडंट नो दिस अदर साइड. तो थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू. आप जिनसे जो आपको लाइट्स के बारे में डायरेक्शन के लिए कि वो किस तरह से लेके चलते हैं, इसी तरह से एक डिपार्टमेंट म्यूजिक का भी है, तो कामरान ने इसके बारे में भी बताया. अच्छा, अब आपकी मेरे से भी बात हो गई जी. तो ये एक हेल्दी साइन, आपको काफ़ी चीज़ें नजर आ रही होंगी कि ड्रामे में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कितने अच्छे तरीके से होती हैं. बहरहाल बहुत खुशी हुई आप लोग आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सारी चीज़ें देख ली हैं जिन मैंने एक एडिटिंग की पूरी वो स्पीड देख ली है, एंड ऑल्सो वकार अली साहब से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. देखिए, आपसे वो बस पूछा था, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. आई गेस लीडरशिप क्वालिटीज इन यू बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, आई गेस दैट. आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि मुझे सियासत में आ जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं. एक लीडरशिप क्वालिटीज एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको लीड करना होता है तमाम डिपार्टमेंट्स को. और मैं तो समझता हूँ कि ज़रूरी है कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ भी आनी चाहिए डायरेक्टर को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके विद हिज एडिटर, विद हिज डीओपी. अदरवाइज़ उसको कम्युनिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम होगा. जो चीज़ वो स्क्रीन पे लाना चाह रहा है उस डिपार्टमेंट के तवसुत से, वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा टू दैट कंसर्न डिपार्टमेंट. मिसाल के तौर पर डीओपी को बताना है कि किस किस तरह की लाइटिंग है, क्या चीज़ और क्या टर्मिनोलॉजीज़ उसकी होती हैं, बैक लाइट क्या है, लाइट क्या है, फलां क्या है, लो एंगल क्या है, डायरेक्टोरियल शॉट्स क्या हैं, या एंगल्स में भी बहुत इंटेग्रल पार्ट अदा करता है डायरेक्टर डीओपी को बताने के लिए कि सीन कहाँ से ओपन करना है उसने अपना, यू नो. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टर्स में बहुत ज़रूरी हैं. और आई विश के पाकिस्तान अब इस तरफ जा रहा है कि एकेडमीज आ रही हैं और नई एकेडमीज बन रही हैं और लोगों को अब सीख कर आने का मौका मिलेगा. सो एडिटिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर इन द टेलीविजन. देखिए, अगर जैसे सपोज कि किसी को एडिटिंग नहीं आती टेक्निकली, तो वो अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं बन सकता. ये नहीं कह सकते कि जिसको एडिटिंग नहीं आती वो अच्छा प्रोड्यूसर नहीं या डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन एडिटिंग टेबल वो चीज़ है जहाँ एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बुरी बनाई जा सकती है और एक बुरी प्रोडक्ट अच्छी बनाई जा सकती है. यू नो, ये इसी तरह ही है देसी लैंग्वेज में कि आपको मतलब बहुत अच्छी चीज़ों का गोश्त दे दिया जाए, इन अ सेंस के रान का और फलां का, जो बड़े शौक से खाते हैं लोग, और एक बुरे कुक को दे दिया जाए तो वो
बुरी ही चीज़ पकाएगा, यू नो, और एक अच्छे कुक को आप कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ें दे दें जो इतनी पसंद से ना खाई जाती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा मज़ेदार वो अगर वो बना लें तो वो उससे जीत जाएगा। इसी देसी लैंग्वेज को लेते हुए अप्लाई आप अगर आप एडिटिंग पे करें तो बहुत अच्छा शूट हम करें, ठीक है, लेकिन एडिटिंग में इतने सारे ब्लंडर्स डाले हुए हमने। इवन फॉर द एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं कि एक्टिंग के बाद पॉजेस होते हैं, मिसाल के तौर पर एक जुमला बोलने के बाद दूसरा जुमला जब बोलते हैं तो बीच में पॉज होता है। जिससे मैंने अभी आपको कहा कि एक्टिंग के बाद पॉजेस होते हैं, तो आपने मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज आपने सुने और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने यूँ सर हिलाया, ठीक है, और मेरे बोलने के दौरान अभी आपने बोला कि रजिस्टर क्या है एक चीज़, ये एक छोटी सी चीज़ आपने बोली है, ठीक है, तो इसके हम दोनों के बीच में की कन्वर्सेशन के बीच में टाइमिंग है, एक सर्टन टाइम है, कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा है जो बीच में गुजर रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप बोल रही हैं, ठीक है, तो वो टाइमिंग और वो सारी चीज़ें जो है वो एक्टर जब एक्टिंग करता है तो वो क्योंकि वन कैमरा प्रोडक्शन हम कर रहे होते हैं तो क्लोज कहीं से लगना और मास्टर किसी और टेक से लगाना और वो सारी टाइमिंग एडिट पे बनाना, तो एक्टर को भी अच्छा और बुरा। करवा साहब, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स एज बीइंग सच अ सक्सेसफुल डायरेक्टर एंड आफ्टर एवरीथिंग यू हैव डन, व्हाट डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड एंड हाउ फार हैव यू गॉन? अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 4 साल से कंसेक्यूटिव अवार्ड्स मिल रहे हैं डिफरेंट माशाल्लाह चीज़ों पे। आगे के हवाले से ये है कि जब अपनी एनर्जीज में समझता हूँ कि मैं फुल यूटिलाइज कर चुकूँगा, राइट, तो किसी चैनल में जाके बैठ जाऊँगा और अगेन वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है चैनल्स की जिसमें बैठना, और ऑल्दो के 2000 से एग्जैक्टली अब तो बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं और 2000 से मुझे कंटिन्यूस ऑफर्स हैं चैनल्स में एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी शायद मुझे 10 साल और चाहिए टू यूटिलाइज माई एनर्जीज अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और अपने व्यूअर्स को अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। एंड यू हैव टू शो मी दिस ऑफिस ऑफ योर्स, एज इन आपने इतनी मेहनत से सब बनाया, सो आई नीड टू हैव अ लुक एट इट। आपने मुझसे वादा किया था। जरूर आइए। थैंक यू। ग्राफिक डिपार्टमेंट फिलहाल बंद है, एडिट पे है ये मेरा। यहाँ पे आपका मंजिल एडिट हो रहा है? ये एक्चुअली हम बाहर भी रेंट आउट करते हैं तो साथ साथ जो बाहर के कुछ क्लाइंट्स आए हुए होते हैं उनका काम हो रहा होता है। ये हमारा एडिट सूट है। औरत और चार दीवारी की एडिटिंग हो रही है और अदनान साहब जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये भाई भी है मेरे और ज़्यादातर काम हमने काफ़ी सारा करियर का काम साथ किया है। इंडिपेंडेंटली भी कर रहा होता हूँ और डेफिनेटली इस सीरीज़ को प्रोड्यूस कामरान ने किया है, ठीक है, तो इस तरीके से और क्या कहते हैं और प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रहा होता हूँ। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस। नेहा, ये है हमारा ENG रूम। अच्छा, ओ वाओ। कैमरा लाइट्स वगैरह कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ सामने कबर्ड्स में हैं, कुछ इक्विपमेंट ये पड़ा हुआ है और कुछ शूट पे गया हुआ है। बिल्कुल। और क्रेन और ट्रैक गोदाम में है, वो ऊपर नहीं आ सकती। फिट का हुई होगी। Exactly. चलिए, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। Well, that was the end of my day with Mr. Kamran Qureshi, and it was definitely one of the most eye-opening and where I learned so much. It was such a great experience, and he taught me so many things, from music to editing to lighting, and he explained how much work there is to put in just one drama or in just one scene. And I would really like to thank Business Class for making me experience and a hands-off experience of the world of drama. Thank you, Business Class.